मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। का कहना है कि भारत में 120 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ लोग बीमार हैं और सरकार के इसके आंकड़े हैं, जैसे 5 करोड़ 70 लाख लोगों को भारत में डायबिटीज है, 4 करोड़ 80 लाख लोगों को हृदय रोग है, 8 करोड़ भारतवासियों को कैंसर है, 12 करोड़ भारतवासियों को आंखों के भिन्न भिन्न रोग हैं, 14 करोड़ भारतवासियों को दमा अस्थमा और ट्यूबरकुलोसिस है, 17 करोड़ भारतवासियों को गठिया का रोग है, संधिवात है, और 20 करोड़ भारतवासियों को हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर है, 27 करोड़ भारतवासियों को चिकनगुनिया, वायरल फीवर, डेंगू, इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, ब्रेन मलेरिया, टाइफाइड, साइनोसाइटिस, साइनस, ऐसे भिन्न भिन्न रोग। और सबसे खराब बात है कि भारत की लगभग 70% आबादी को एनीमिया का रोग, खून की कमी, रक्त की कमी। एनीमिया का जो रोग है वो हमारी माताओं को ज्यादा है, हमारी बहनों को ज्यादा है। हमारे देश में कुल 60 करोड़ माताएं और बहनें हैं, इनमें से 40 करोड़ माताओं और बहनों को खून की कमी है, शरीर रक्त की कमी। तो इतना बुरा हाल पूरे देश का है और ये हाल आजादी के 64 वर्षों में है, जबकि सरकार ने पिछले 64 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिया है चिकित्सा के लिए और स्वास्थ्य के लिए, तब इतना बुरा हाल देश का है। आपके मन में प्रश्न आएगा कि आखिर सरकार ने इतना सारा पैसा खर्च किया है चिकित्सा और स्वास्थ्य पर पिछले 64 वर्षों में, तो बीमारियां कम क्यों नहीं हो रही, हर साल नई नई बीमारियां क्यों बढ़ रही है? तो इसका उत्तर है कि हमारे देश की सरकार ने ये जो पैसा खर्च किया 10 लाख करोड़, ये सारा का सारा पैसा एलोपैथी और विदेशी चिकित्सा पद्धति पर खर्च किया, और एलोपैथी चिकित्सा में सबसे ज्यादा सरकार ने दवाओं का उत्पादन बढ़ाया इस देश में। आजादी मिलने के समय में इस देश में 70 दवाएं बनती थी, अब 84,000 दवाएं बन रही है। एस्पिरिन, डिस्प्रिन, नोवालजिन, एनाल्जिन, पैरासिटामोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पैरामाइसिन, बेरालगन, बूटाजोन, ऑक्सीफिन बूटाजोन, क्विलोक्विनोल, रेनिटिडिन, डाइक्लोफेनेक, ऐसी 84,000 दवाएं बन रही है। पहले सिर्फ 70 दवाएं बनती थी, अब 84,000 बन रही है। और समस्या इन दवाओं से शुरू होती है, क्या कि ये जो दवाएं बन रही हैं हमारे देश में और हमें खिलाई जा रही हैं, ये दवाएं हमें और ज्यादा बीमार बना रही। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि इन सभी दवाओं के शरीर पर भयंकर नुकसान हो रहे हैं। इन दवाओं के हमारे शरीर पर सैकड़ों तरह के नुकसान हो रहे हैं। मैं आपको कुछ नाम से बताऊं, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवालजिन, एनाल्जिन, एस्प्रो, इकोस्प्रिन, ऐसी हजारों दवाएं हैं जिनको भारत में एनल्जेसिक मेडिसिन्स कहा जाता है। एनल्जेसिक मेडिसिन के बारे में समझने के लिए आप समझिए दर्द निवारक दवाएं जो दर्द को थोड़ा कम करती है। एस्पिरिन आपके दर्द को कम करती है, डिस्पिरिन दर्द को कम करती है, और इस तरह की हजारों दवाएं हैं। ये सारी दवाएं जो हम दर्द निवारक या दर्द को कम करने के लिए खाते हैं, ये सब हमारे किडनी को खराब करती है, हमारे गुर्दों को खराब करती है। अगर आप लगातार इन दवाओं को खा रहे हैं तो आपके दोनों गुर्दे बेकार हो जाएंगे, ये पक्की बात है। इन दवाओं के कारण हमारे देश के लाखों लोग दुखी हैं। पहले उन्होंने ये दवाएं खाई दर्द मिटाने के लिए, अब इन दवाओं ने उनके गुर्दों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। समस्या अब यह है कि गुर्दे खराब हो जाए तो उनका इलाज नहीं है एलोपैथी, एकमात्र इलाज है और वो है कि नए गुर्दे लगाओ। और नया गुर्दा लगाना किसी गरीब के बस में नहीं है, क्योंकि 3.5 लाख रुपए में एक नया गुर्दा लगता है, 7 लाख में 2 नए गुर्दे लगते हैं,
गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता। और एक दूसरा इलाज है, वो है डायलिसिस। और डायलिसिस के इलाज में इतनी पीड़ा और इतना दर्द होता है कि कोई भी आदमी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैंने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है कि जब किसी मरीज को डायलिसिस पे हम ले जाते हैं तो वो एक ही बात बार बार दोहराता है कि मुझे मार डालो, ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि डायलिसिस की क्रिया में क्या होता है कि सारे शरीर का खून निकाला जाता है और उसे साफ करके मशीन के माध्यम से वापस शरीर में डाला जाता है। तो शरीर से खून को निचोड़ना और वापस उस शरीर को डालना, ये बहुत ही पीड़ादायक काम है। और इसलिए ज्यादा मरीज डायलिसिस को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो दर्द से ही मर जाते। अब गुर्दे खराब हो जाएं, ऐसी हजारों दवाएं हम खा रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।